ये 0 पॉइंट है, 0 किलोमीटर ऑफ वोल्गोग्राद, और ये अलेक्जेंडर नेवस्की है। कोम्सोमोल्स्काया स्टेशन, ये एक बस स्टॉप का नाम है। यहाँ से 28 बस स्टॉप्स कवर करते हुए मुझे जाना है वोल्गोग्राद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 दिन पहले मैं बस से गया था जर्मन कॉलोनिस्ट्स के वहाँ पर, सरपता ऐसा कुछ नाम है वो जगह का, एंड उस टाइम पे 48 बस स्टॉप्स किए थे मैंने, 1 घंटा लगा था। और आने के टाइम 4 स्टॉप्स एक्स्ट्रा हुए थे मेरे, जो कि 52 बस स्टॉप्स इन वोल्गोग्राद, मतलब सबसे ज़्यादा बस स्टॉप्स मैंने वोल्गोग्राद में किए हैं। और सिटी बस है बेसिकली, और यहाँ पर मैंने हॉस्टल अभी छोड़ दिया है, मैंने अपना बैकपैक अपने कंधों पर डाल दिया है, और यहाँ पे कोम्सोमोल्स्काया स्ट्रीट के वहाँ पे जाकर मुझे 6 नंबर की बस पकड़नी है, जो कि वोल्गोग्राद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुझे पहुँचा देगी। सो बेसिकली बजे है अभी 1:22, और 12 बजे वैसे चेकआउट था, बट मैं 1 घंटा बैठा रहा अपने बेड पर, रिलैक्स किया मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि रात को 12-12:30 के दरमियान मैं अपने विनिग्रेट हॉस्टल मतलब मॉस्को में पहुंचूंगा, मेरे एकोमोडेशन प्लेस पे। मेरी 9:30 की फ़्लाइट है और अभी सिर्फ 1:22 हुए हैं। तो बेसिकली मैं सोच रहा था कि अलेक्जेंडर नेवस्की सोबोर जो है अच्छे से बता दूँ आपको। और बाय द वे, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो, कसकाय मंडली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांडरर राजिंग के, आई होप ऑल इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो आज का दिन शुरू होता है दोस्तों, एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो पे। डोमेस्टिक फ़्लाइट के बारे में बनाने वाला हूँ, जो कि मैं वोल्गोग्राद टू मॉस्को एक डोमेस्टिक फ़्लाइट से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। और 20 kgs का लगेज बैगेज मैंने बुक किया है मैंने अपना फ़्लाइट टिकट में, मतलब मुझे करीब टिकट पड़ी कुछ 3,300 रुबल्स, जो कि वाकई ठीक ठाक रेट मिला मुझे। और ये 1 हफ्ते पहले बुकिंग की थी मैंने, जब मैं कज़ान में था तभी। 3,300 रुबल्स फॉर 1,000 किलोमीटर्स बाय रोड, मतलब अपना मुंबई से बेंगलोर जाने जितना डिस्टेंस है। वोल्गोग्राद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने का मौका मिलेगा। मैं बाय द वे मुंबई से जब आया था, जब शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद फिर और एक फ़्लाइट पकड़ी थी, वहाँ पे मेरा ट्रांजिट था शारजा से, और फिर यहाँ पे रशिया में जहाँ पर एयरपोर्ट था, मेरा लैंडिंग डेस्टिनेशन था दोमोदेदोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने रशिया का देख लिया। अभी वोल्गोग्राद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखूँगा, और फिर मॉस्को का व्नुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देख लूँगा। तो इस तरह से मेरे 3 एयरपोर्ट कवर हो जाएंगे रशिया के। मैंने बाय द वे आज नाश्ता कुछ खास किया नहीं है, फ्रोज़न फूड जो चिकन पिज़्ज़ा रहता है, सॉफ्ट पिज़्ज़ाज, छोटे छोटे मिनीचर्स बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा मिनीचर्स, वो मैंने खाए, और अभी मैंने दिन अपना शुरुआत कर लिया है। एयरपोर्ट पर जाकर देखूँगा कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तो ज़रूर खाऊंगा, भूख लगी तो। अपना जो अलेक्जेंडर नेवस्की चर्च है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर कार पार्किंग ज़्यादा दिख रही है, और मैं 0 पॉइंट पे वापस आ चुका हूँ। मैंने ये सिटी की शुरुआत भी 0 पॉइंट से की थी, सोचा यहीं पर एक बार आके विज़िट कर लेता हूँ। ये 0 पॉइंट है, 0 किलोमीटर ऑफ वोल्गोग्राद, और ये अलेक्जेंडर नेवस्की है, चर्च है, कैथेड्रल है बाय द वे। कैथेड्रल मीन सबसे बड़ा चर्च इन द टाउन। यहाँ पर लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं वीकेंड में था इसके लिए वीकेंड के टाइम पे लोग बहुत कम दिखाई देते थे, अभी वीकडेज है तो थोड़े बहुत लोग दिखने लगे हैं। बेसिकली मैंने 65 नंबर बस पकड़ी, 6 नंबर बस वो बस स्टॉप पे अवेलेबल नहीं थी,
तो मुझे दो बसेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अभी 65 तो मिल गई है, आधे रास्ते तक जाना पड़ेगा, जो कि 25 रूबल्स मैं स्पेंड कर रहा हूँ, और दूसरा जो भी ट्रॉली बस हो या शटल बस हो उसके लिए 25 रूबल्स फिर से पे करने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटा 50 रुपये में मेरे हॉस्टल से करीब करीब 20-25 किलोमीटर तक मुझे 50 रुपये में सफ़र करने मिल रहा है। अभी स्टैंडिंग ही सफ़र करना पड़ रहा है बिकॉज मेरा बैग मैं उतारना नहीं चाहता हूँ, उतार के वापस पहनना मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है। कोई नहीं, एक्चुअली जो भी बस स्टॉप पे मैं आ रहा हूँ वो मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये बस पकड़ूँगा, वहाँ से मैं वो बस पकड़ूँगा। जहाँ पर मेरा पहला स्टॉप था वहाँ पर 6 नंबर बस पकड़ने का डिसीजन था मेरा, बट वहाँ पर 6 नंबर बस नहीं थी, 110 है, 65 नंबर है, वहाँ पर 6 नंबर की बस मौजूद ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर मैं एक स्टॉप पे उतरा हूँ, और एक स्टॉप पे उतरने के बाद मैंने सोचा कि मैं 70A नंबर की बस पकड़ूँगा, या ट्रॉली बस या सिटी बस जो भी है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 6 नंबर की बस मिलेगी कि नहीं, या तो फिर ये तो 63 आई है एयरपोर्ट, वो ओके चलो 63 नंबर बस है एयरपोर्ट, साल एयरपोर्ट ये बस एयरपोर्ट जाती है, बट 63 नंबर है, आई डोंट नो मेम साहब भी शायद एयरपोर्ट ही जाए। एक बैग निकालो तो कंधे का बोझ काफ़ी हल्का हो जाता है, तो ये मैडम मोहतरमा भी शायद से एयरपोर्ट ही जाती होगी। मैंने पूछा उनको कि एयरपोर्ट जाती है, तो एयरपोर्ट ही जाती है। बेसिकली नीचे बैग रखा था मैंने, नीचे बैग रखने के बाद काफ़ी धूल लग गई उसको, मतलब अब तक बैग एकदम क्लीन थी, अभी पूरी ख़राब हो चुकी है। तो मैं सोचा मेरी बैग हमेशा क्लीन ही रह रही है यहाँ पर, अच्छा है, बट ये बस में थोड़ा बहुत क्या कहते हैं थोड़ा गंदा है, मतलब नीचे डस्ट है काफ़ी, तो मैंने सोचा बैग अपने कंधे पर ही अच्छा है। अभी ये एयरपोर्ट जाती है बस मैंने देख लिया है, चेक कर लिया है, बट अभी भी 63 नंबर बस गूगल मैप्स पर नहीं बता रही है, बट फिर भी मैं डायरेक्शंस ऑन रखा हूँ और आई होप एयरपोर्ट पहुँचा देगी ये बस मुझे। तो बेसिकली थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं जल्दी निकला हूँ, हद से ज़्यादा जल्दी निकला हूँ मैं, मतलब 7-7.5 घंटे जल्दी। एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ, बाहर से एरोप्लेन वगैरह सब दिख रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ से बस अंदर मुझे एंटर कहाँ से करना है, देखना पड़ेगा, शायद बस अंदर जाती थी और मैं पहले ही उतर गया, ऐसा कुछ शायद ऐसा हो सकता है। ये देखिए एयरपोर्ट, वोल्गोग्राड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्वागत है आप सबका। टर्मिनल ए जो है वो बंद ही पड़ा हुआ है, अंदर कोई जाते हुए दिख ही नहीं रहा, शायद मुझे आगे टर्मिनल सी पे जाना है। ये टर्मिनल ए है और आगे ये टर्मिनल सी है, बट टर्मिनल सी में अच्छा वीआईपी लाउंज अलग से है, ओके। टर्मिनल ए तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है, पुराना लग रहा है, ग्लास वगैरह कुछ क्लीन भी नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर एक कैफ़े बार है,
इंग्लिश में लिखा है तो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश जम सकते अपने को। अगर ये रशिया में रहता तो भी पढ़ सकता था, छोटे छोटे वर्ड्स है, बड़े बड़े वर्ड्स टर्मिनल सी मैं पढ़ सकता हूँ, मीडियम लेटर्स मीडियम वर्ड्स है। आज वेदर वैसे नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, मतलब 14-15 डिग्रीज है मैंने देख लिया, और यहाँ से मुझे अभी क्रॉसिंग करना पड़ेगा। चलो देन अंदर जाता हूँ, पासपोर्ट और मेरा जो टिकट है वो रेडी रखा है मैंने, आई होप अंदर जाने देंगे फटाफट, मैं अंदर जाके आराम से बैठ सकता हूँ, रिलैक्स करना है। ये पूरा कंधे का बोझ जो है ना वो आगे और पीछे रखने के बाद बहुत ही रिब्स पे पेन आता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये अपना बोझा उतार के रखना है। तो स्वागत है आप सबका टर्मिनल सी। ये रहा 63 बस यहाँ तक पहुँच गई, देखा यहाँ तक आ सकती थी, मैं पहले ही उतर गया। यहाँ से मैंने एंटर किया, ये एंट्रेंस है, और यहाँ से एक सुविनियर शॉप है जहाँ से मैंने फ्रिज मैग्नेट्स लिए, और यहाँ पे चेक इन काउंटर है। बाय द वे चेक इन काउंटर्स अभी मेरा फ़्लाइट का चालू नहीं हुआ है, DP-184 चल रहा है, DP-182 मेरी फ़्लाइट नंबर है पोबेदा, और पता नहीं बहुत टाइम है, ऊपर जाके थोड़ा आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये वोल्गोग्राड का मेरे पास फ्रिज मैग्नेट्स नहीं था तो एक सुविनियर के तौर पर मैंने ले लिया है। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाके बैठ सकते हैं मिनान से, मैंने वो मोहतरमा थी जहाँ पर सुविनियर शॉप में काम करती है तो उनसे मैंने पूछा कि मैं ऊपर जाके बैठ सकता हूँ कि नहीं, नहीं तो फिर ऊपर जाके डायरेक्ट चेक इन रहेगा कुछ रहेगा तो। हालाँकि यहाँ पे साइन बोर्ड्स लिखे हुए हैं बट बात करने का अलग मज़ा है, कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जितना हो सके उतना बात करना बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट वाकई क्लीन है, मज़ा है, छोटा सा है टर्मिनल, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा टर्मिनल है। हाँ यहाँ पर भी सारे के सारे सीट्स फुल है। यहाँ से सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ से मैं जा सकता हूँ अंदर, फ़िलहाल मुझे एक जगह मिल गई है तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं है, टर्मिनल बहुत ही छोटा है। अच्छा लग रहा है, बोझ कम हो गया थोड़ा, जिप भी निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पर अब D-182 कब शुरू होता है चेक इन देखना पड़ेगा, मुझे वापस नीचे जाना है, चेक इन करना है, वापस यहाँ पे बैग चेक इन करना है और अंदर फ्लाइट में बैठ जाना है, दैट्स इट। क्या बात है। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मैं अभी चेक इन हो गया है, अंदर आ गया हूँ मैं, सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेक, बैग चेक वगैरह हो गया, बैग चेकिंग में डाल दिया, मेरी टिकट भी मिल गई, बोर्डिंग पास मिल गया मुझे, और अंदर आने के बाद वाकई एक इंटरेस्टिंग जगह है, मतलब वोल्गोग्राड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अंदर, मतलब गेट्स के पास हूँ, 3 गेट्स है बाय द वे यहाँ पर, 1, 2, 3, मेरा गेट नंबर 2 है यहाँ पर, और सीट नंबर मुझे मिली है 21D। इंटरेस्टिंग, 21 मतलब धमाल है, 21 मेरे लिए काफ़ी अच्छा नंबर है, मैं 21st को बॉर्न हुआ था इसके लिए। ये कोई सीट मैंने बुक नहीं की थी, ये रैंडमली जो मिलेगी वो ले ली मैंने, और आयल सीट्स रहेगी शायद से, बीच में जो रहती है सीट्स वही सीट्स रहेंगी, विंडो सीट नहीं रहेगी शायद से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं दिखाना चाहता था कि यहाँ पर रिक्लाइनर सीट्स है, अच्छे खासे मसाज कर सकते हैं, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बैग ही मुझे मसाज दे देता है अच्छे से इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है मुझे तो फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट। अच्छा खासा है ये, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से ही छोटा सा गेट, 3 गेट है बस, छोटा सा टर्मिनल है, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, और करीब 1 घंटा है मेरे फ्लाइट निकलने के लिए, अभी तक डोर्स ओपन नहीं हुए शायद से, या तो फिर ओपन हुए भी रहेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे चिल कर रहा हूँ, 9 बजे के आसपास देखते हैं मैं जाऊँगा अपने गेट पे।
वाकई अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है एयरपोर्ट। बाहर से ओके ओके लग रहा था, मुझे लगा क्या एयरपोर्ट है यार, अपना चंडीगढ़ एयरपोर्ट इससे अच्छा है। बट नहीं, वाकई अंदर आने के बाद थोड़ा माहौल लाउंज एरिया टाइप फील हो रहा है यहाँ पर, अच्छा है, अच्छा खासा। 6.5 घंटे यहाँ पर बैठा था मैं, अरे बाप रे, यहाँ पे तो और ज़ोरदार अनाउंसमेंट हो रही है। मुझे अभी बस में जाना है, बस से हम लोग को फ्लाइट तक जाना है। कौन सी बस है भाई? यही है मॉस्को, मॉस्को, मॉस्को। हाँ ओके, इनके 6 सीट है बैठने को, बाकी सब लोग खड़े रहने वाले हैं। और ये पता नहीं, अच्छा यहाँ पर ठंड इसके लिए लग रही है बिकॉज दरवाजे सारे के सारे खुले हैं। वही सोच रहा हूँ ठंड कैसे लग रहा है, मतलब एसी तो गर्म होना चाहिए बस में, और या बाहर की हवा आ रही है अंदर। 6 घंटे बाद बाहर आने के बाद ऐसे ही फील हो रहा है दोस्तों कि एसी में आ गया, मतलब। चलो, पोबेदा एयरलाइंस है वैसे, पोबेदा ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स की फ़्लाइट्स है जो रशिया में अवेलेबल है, काफ़ी सारे है। यूट एयर करके है, S7 एयर करके है। पोबेदा मैंने सिलेक्ट किया बिकॉज काफ़ी सस्ती थी, इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। तो देखते हैं अभी किस तरह की सर्विस है, किस तरह का प्लेन है। मेरा एक दोस्त तो कह रहा था भाई पोबेदा मतलब आप लोग जा रहे हो तो, मैं जा रहा हूँ तो मतलब ये ST जैसा है, मतलब एकदम लोकल बस में ट्रैवल करने जैसा फ्लाइट है। तो देखते हैं, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, देखते हैं कुछ अलग है क्या। अलग एयरक्राफ्ट तो नहीं रहेगा बेसिकली, मुझे पता नहीं है, डिटेल्स मैंने पढ़े नहीं किस तरह का एयरक्राफ्ट है, मैंने कुछ रिसर्च करने की भी कोशिश नहीं की। बट फ्लाइट नंबर है DP 182, और 9:05 हो गए अभी, गेट्स थोड़ी देर में बंद होने वाले हैं। शायद से पोबेदा मेरा एयरक्राफ्ट दिख रहा है, सामने ही है, बट आई एम नॉट श्योर, इसके लिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अपनी बस अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे भरती जा रही है। तो ये है मेरा पोबेदा एयरलाइंस जो भी है, पता नहीं एयरवेज है कि एयरलाइंस है, जा रहा हूँ बस। मतलब यूट एयर का एक फ्लाइट एयरक्राफ्ट वहाँ पर है पीछे के साइड में, उससे तो बेटर है। पूरे एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 हवाई जहाज है बस, दैट्स इट। मैं सिर्फ 2 हवाई जहाज देख सकता हूँ, 2-3 बसेस देख सकता हूँ, और बस एक रेस्क्यू व्हीकल है, दैट्स इट। और कुछ इस तरह से टर्मिनल C2 दिख रहा है मुझे, C1 C2, ऐसे 3 टर्मिनल्स है, मतलब सी ही है टर्मिनल सी। तो ये दोनों के लिए है, मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के लिए। अच्छा है, नीट है, क्लीन है, काफ़ी मेंटेन्ड है, अच्छा लगा। फ्लाइट बोर्ड तो हो गया है अभी, मतलब ठीक है, क्लीन है, मैंने सोचा था उतना उससे कहीं अच्छा है, बेटर है। मतलब पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा अजीब रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, बट काफ़ी क्लीन है, नीट है, फ्रेश है। फाइनली वनुकोवो एयरपोर्ट के बाहर आ गए हम। यहाँ पे ऊपर से शायद से मेट्रो जाती है, टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर, अब ढेर सारा आवाज़ है। और मुझे अभी देखना है कि बस कहाँ से जाती है, यहाँ से बस पकड़ना है, फिर बस से मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो से फिर हॉस्टल पकड़ना है। बस यहाँ पर भी खड़े हैं टैक्सी वाले,
सब यहाँ जाएंगे, टैक्सी जाएंगे, टैक्सी 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 कर रहे हैं सब लोग, बट मुझे पकड़नी है बस। बस कहाँ पर मिलेगी वही देख रहा हूँ अभी। मुझे लगा दोस्तों कि यहाँ पर एरो एक्सप्रेस ट्रेन टू मॉस्को रहेगी, जहाँ पर मैंने एंटर किया वहाँ पर एरो एक्सप्रेस मॉस्को ट्रेन अवेलेबल है, बट 11 बजे तक लास्ट ट्रेन है। अभी बजे है 11:30 बज के हो चुके हैं, तो म्यूनिसिपल बस स्टॉप पे जा रहा हूँ मैं। हाँ, आई एम सॉरी गाइज, STOP कहा इसके लिए वो बंद हो गया रिकॉर्डिंग। फाइनली एक म्यूनिसिपल बस स्टेशन पर जा रहा हूँ, सो दैट जैसे मैंने प्लान किया था 911 बस में चढ़ने वाला हूँ मैं। 911, वाह, क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ, मतलब अजीब है। अभी आई होप मेरे हॉस्टल वाले जो रिसेप्शनिस्ट है वो जगी होगी, नहीं तो मैं पहुँचने वाला हूँ अराउंड 1 बजे तक मैं अपने हॉस्टल में रहूँगा, होपफुली, देखते हैं। अभी यहाँ पर एक बस और एक मेट्रो करना है, तो लगभग 84 रूबल्स जाएंगे मेरे, क्योंकि 42 रूबल्स का एक टिकट मिलता है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो ये है बस स्टॉप मेरा, यहाँ पर 911 रेड कलर में लिखा गया है। रेड कलर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से मेट्रो लाइन 1 तक वो बस जाने वाली है, और मेट्रो लाइन 1 का शायद रेड कलर है इसके लिए। यहाँ पर मेट्रो लाइन्स बहुत है, मतलब 1960s से ये मेट्रोज बनी हैं और डेवलपमेंट होते गया तो मेट्रो लाइन्स भी बढ़ती गई। अब देखते हैं 911 बस नंबर कब आती है, वेट कर रहा हूँ, ठंड से सिकुड़ जाऊँगा यार, जल्दी आ जाओ। मैंने हल्का फुल्का कपड़ा पहना हुआ है, डबल जैकेट लेयर भी नहीं पहना है मैंने आज, सिंगल जैकेट लेयर पहना है, और अंदर जो टी शर्ट पहना है सब हाफ टी शर्ट पहना है, 2 टी शर्ट्स पहने हैं वैसे। चलो फाइनली मेरी बस तो आ गई है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे कार्ड स्वाइप करना है, आई होप मेरा कार्ड इस टाइम चले। Следующая остановка Мешковая. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Interesting, ये बस में भी अनाउंसमेंट होता है, वाकई अच्छा लगा मुझे। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी USB कनेक्शंस है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आईपैड या कैमरा, जैसे ब्लॉगर्स है तो कैमरा अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें जो ग्लास है इसमें फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट नहीं है, या किसी भी ऑयल लगता है ना बालों का ऑयल वगैरह लगता है वो भी नहीं है। हमेशा जो मॉस्को में मैंने देखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हो तो एकदम नीट एंड क्लीन रखे गए हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई एकदम अप टू डेट, मतलब ऐसा लगता है कि हर 4 घंटे में ये बस धुलती है, इतना साफ है। बस अभी कई सारे लोग मेरे साथ आ रहे हैं, उनको ही फॉलो करने का डायरेक्ट, वो लोग भी मॉस्को सिटी जा रहे होंगे, सिटी सेंटर तो ये है सलारिवा, एक बहुत बड़ा मॉल है सलारिवा मॉल के, यहाँ पर ये एक सलारिवा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर भी डायरेक्ट अपना कार्ड रख दो, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा होना ज़रूरी है, मास्टर कार्ड समटाइम्स नहीं चलता है। हाँ, देख सकते हो यहाँ पर कितना गड़बड़ चालू है, बिकॉज 1 बजे तक मेट्रो चालू है, 1 बजे के बाद मेट्रो बंद होने वाली है, और अभी बजने आ रहे हैं समथिंग 12:30 बजने आए हैं, 12:30 बज ही रहेंगे, देखें 12:21 आराम से, बहुत टाइम है। मैं 1:15 तक अपने हॉस्टल में रहूँगा अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, देखते हैं। एकदम गड़बड़ हुई अभी, मैं जब जस्ट अपना कार्ड स्वाइप कर रहा था, मतलब डायरेक्ट वो गेट्स खुल जाते वहाँ पर, मैंने अपना कार्ड स्वाइप करने गया तो सिक्योरिटी आया पीछे से, बोलता है कि आपको बैग चेक इन करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी
चेक करना पड़ा, सारा बैग वापस निकालना पड़ा। एयरपोर्ट के बाद मैंने सेकेंड टाइम ये बैग्स निकाले और बाद में मैंने सिक्योरिटी चेक करने के बाद में मैंने कोशिश की कि जो अपना कार्ड है, जो वीज़ा कार्ड, वो तो चल ही नहीं रहा था। मैंने करीब करीब 5 या 6 लोकेशंस पे, मतलब गेट्स पे मैंने ट्राई किया, बट कहीं पर भी चला नहीं। तो मैंने सोचा कि ट्रॉयका कार्ड में शायद मेरा बैलेंस होगा। तो ट्रॉयका कार्ड में से मेरा मैंने लिया था पहले ही, करीब 3 हफ्ते पहले, मैंने 4 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते होने आए, अभी 1 महीना होने आया। तो ट्रॉयका कार्ड मैंने लिया था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है यहाँ पर सब जगह पर, सिटी बस में भी होता है, मेट्रो में भी होता है, जो अभी मैं बस में चढ़ा था उसमें भी हो सकता था, बट वहाँ पर वीज़ा कार्ड चला, बट यहाँ पर मेट्रो पर नहीं चला। इसी बहाने मतलब मैंने देखा ट्रॉयका कार्ड चल रहा है, ट्रॉयका कार्ड में से 42 रुपीज़ डिडक्ट हुए और 173 रूबल्स अभी भी अवेलेबल है। 42 रूबल्स एक्चुअली, रुपीज़ नहीं, 42 रूबल्स डिडक्ट हुए और 173 रूबल्स बाकी दे रहे। तो चलो वही यूज़ करेंगे, अभी 2 दिन बचे हैं, पूरा ख़त्म कर देंगे कार्ड और वो एज ए सुवेनियर लेकर आएंगे अपने इंडिया। तो ये देखो, ये मैं कह रहा था कितने सारे लाइन्स हैं, ये सारे मेट्रो लाइन्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। वैसे आपको समझा भी नहीं पाऊँगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा, बट मुझे अभी आसान हो गया, मुझे समझ गया है कौन कौन से रूट्स पे कौन कौन से ट्रेन और मेट्रो मिल जाती है अभी, क्योंकि मैं कई बार मेट्रो में ही ज़्यादातर सफ़र कर रहा हूँ, मैं मॉस्को में स्पेशली। मॉस्को मेट्रो नहीं किया तो फंस गए फिर आप। देखना पड़ेगा ना ऊपर चढ़ाई। चलो यार कहीं से भी निकल जाते हैं। मोहतरमा हंस रही थी मुझे देखकर, पता नहीं, अकेली पैदल चले जा रही है और हंस रही थी। बिब्लियोथेका इमैनुएल लेनिना, समझ आया आपको मैंने क्या कहा? नहीं समझा ना? ये मेट्रो स्टेशन का नाम है, बहुत भारी भारी नाम है यहाँ पर, खतरनाक नाम है, पढ़ने लायक, मतलब पढ़ने में ही मज़ा आ जाता है काफ़ी। और अभी देखते हैं, मैं एग्ज़िट करता हूँ और शवारमा का चस्का लगा है, मतलब शवारमा के अलावा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बट ये बोझ लेके अभी 1 किलोमीटर चलना है, अभी 1 किलोमीटर मतलब 10 मिनट। आहा, कोई बात नहीं।